अगर आप युवा हैं, स्वस्थ हैं और जिंदा दिली के साथ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए रैली भर्ती आयोजित की जा रही है। रैली भर्ती सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर में आयोजित होगी। इसमें रीवा और शहडोल संभाग के रीवा, सतना, मैहर, सिंगरौली, मऊगंज, सीधी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों सहित 15 जिलों के पात्र युवा भाग ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अग्निपथ योजना के अंतर्गत इस रैली भर्ती में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क, स्कोर कीपर, ट्रेड्समैन 10वीं पास, ट्रेड्समैन 8वीं पास, अग्निवीर, WMP, शोलटेक सिपाही, फार्मा, हवलदार, SAC और RT JCO के लिए आवेदन किया जा सकता है। रैली भर्ती के पंजीयन के लिए इस बार नए जिलों में भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रीवा संभाग के 2 नए जिले मैहर और मऊगंज के उम्मीदवारों के लिए भी वेबसाइट में पंजीयन की सुविधा दी गई है। भर्ती संबंधी सभी सूचनाएं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही दी जाएंगी, इसीलिए पंजीकृत मोबाइल नंबर को 1 साल तक ना बदलें। बता दें, भारतीय सेना ने 13 फरवरी 2024 को अग्निवीर रैली भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आर्मी में दिलचस्पी रखने वाले युवा joinindianarmy.nic.in पर एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सेना ने मासिक वेतन के साथ लगभग 25,000 रिक्तियों की घोषणा की है, 30,000 से अधिक अतिरिक्त भत्ते के साथ। हमेशा की तरह आवेदकों की आयु 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अग्निवीर जनरल ड्यूटी पदों के लिए न्यूनतम कक्षा 10 पास की योग्यता आवश्यक है, जबकि ट्रेडमैन की भूमिकाओं के लिए कम से कम कक्षा 8वीं की शिक्षा आवश्यक है। इसमें 23 मार्च 2024 तक पात्र युवा अपना पंजीयन ऑनलाइन करा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करनी होगी। इनमें कक्षा 10 का पास, मार्कशीट, ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर शामिल रहेगा। आवेदकों को एक स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो और एक स्कैन किया हुआ सिग्नेचर जमा करना होगा। फोटो की साइज 10 KB से 20 KB वह भी JPG फॉर्म में और सिग्नेचर 5 KB से 10 KB JPG फॉर्म में जमा करना होगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना साल 2022 में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना में भर्ती करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की ड्यूटी के आखिर में 25% तक अग्निवीरों को नियमित सेवाओं में शामिल कर लिया जाएगा। इसी योजना की घोषणा तब की गई थी जब सशस्त्र बल सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों की भर्ती को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 2 सालों तक भर्तियां निलंबित रहीं। इस योजना ने भारतीय वायुसेना और नौसेना में अग्निवीरों के रूप में महिलाओं की भर्ती के लिए भी दरवाजे खोल दिए थे। इस योजना का उद्देश्य सेवारत सैनिकों की औसत आयु को कम करके सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ाना है। एक अग्निवीर को क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। एक अग्निवीर को 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा अग्निवीर जोखिम और कठिनाई भत्ते का हकदार है। इस योजना में एक सेवानिधि अंशदायी पैकेज भी है, जिसके तहत अग्निवीर अपनी मासिक उपलब्धियों का 30% योगदान करते हैं और सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। अग्निवीर के 4 साल पूरे होने पर पैकेज से लगभग 11,71,000 रुपए ब्याज के साथ मिलेंगे और इस पर आयकर से छूट भी मिलेगी। वहीं ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर शहीद होते हैं तब उन्हें सेवा निधि पैकेज और उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन सहित 1 करोड़ से अधिक रुपए मिलेंगे। वहीं विकलांगता की स्थिति के आधार पर 44 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर बता दें, आर्मी में दिलचस्पी रखने वाले युवा joinindianarmy.nic.in पर एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 23 मार्च 2024 तक युवा अपना पंजीयन ऑनलाइन करा सकते हैं।